अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रजनीक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 है इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी। हमें एक फिक दी गई है 12.55 जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शो कर रहा है मटेरियल के लिए। स्केल हमारे पास एस है, दिया गया 300 जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और ये मल्टीपल है किसका 10^6 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर का। वो कहता है यंग मॉडुलस बताओ, यील्ड स्ट्रेंथ बताओ। अब हम जानते हैं मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हमें कर्व भी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का दिया गया है, तो हम किसी एक पॉइंट पे इसकी एक तरह से स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ही होगी, तो वो कहेंगे हमें यंग मॉडुलस पता लग जाएगा। तो आप दो पॉइंट ले लेते हैं 0.2, यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि ये इसका निस्फ है, तो यहाँ पे 300 है तो 150 ले लेंगे। मल्टीपल वो किसका होगा 10^6 का, शुरू में वैल्यू 0 है। इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे 7.5 10^10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 300 को टच कर रहा था, अगर हम रफली एस्टिमेट करें तो ये से कुछ पॉइंट नीचे आया होगा, तो हम इसे 290 मान लेते हैं। ये 300 से 10 कुछ पॉइंट नीचे है, तो 290 10^6 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देनी है हमने, तो ये उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी इसके बाद वो आपके पास फ्रैक्चर रीजन में चला जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास इसका सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।